सम्मान अनुरागी महानुभावों, षोडश कारण महापर्व चल रहा है। प्रतिदिन षोडश कारण भावनाओं के संदर्भ में आप जिनागम का रसास्वादन कर रहे हैं। जैसा कि सुपरिचित है आप सब लोगों के लिए, ग्रंथों में शास्त्रों में भी बताया गया है, तीर्थंकर भगवान हमारे परम उपकारी हैं। लेकिन तीर्थंकर बनते कैसे हैं, इस बात को भी शास्त्रों में बताया गया है। हमारे ऊपर जो परम उपकार करते हैं वे तीर्थंकर देव इन्हीं षोडश कारण भावनाओं को भा करके तीर्थंकर नाम कर्म के महापुण्य को अर्जित करते हैं और फिर क्रमशः केवलक ज्ञान कल्याणक को प्राप्त होकर समोषण में बैठ करके उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, उस दिव्य ध्वनि से हमें मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। तीर्थंकर प्रभुओं का तो हम पर उपकार है ही है। अनंत भावना के अंतर्गत आपने सभी ने सुना है उस बात, क्योंकि हमारे तीर्थंकर भगवान पहली बात तो यह कि वो वीतरागी होते हैं। वीतरागता इस बात का प्रकाशन करती है, प्राणी मात्र के प्रति हमारे भगवान की अनुकंपा बरसती है, करते नहीं है, बरसती अपने आप स्वतः बरसती है। क्योंकि वे यदि प्राणी मात्र पर अनुकंपा करने लगे तो उनकी वीतरागता सदोष हो सकती है, और वीतरागी तो प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा का भाव लेकर के रहते हैं, उनके मन में ये भावना होती है। सभी जीव किस प्रकार संसार में भटकती है, प्राणी मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके और संसार परिभ्रमण से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो, सभी जन परम सुखी होंगे, क्योंकि संसार में सुख और दुख दोनों मिश्रित हैं। इसलिए परम सुख को प्राप्त करने के लिए वो पुरुषार्थ करना होता है, उसी पुरुषार्थ को अपने दिव्य ध्वनि के माध्यम से वो मार्ग सबका प्रशस्त करते हैं, जिस मार्ग से जीव अपना कल्याण करता है, कर सकता है। आराध्य भावना के आगे आचार्य भावना को भी आपने सुना, आचार्य की भक्ति भावना। आचार्य भक्ति क्यों की जाती है, क्योंकि आचार्य परमिष्ठ जो हैं वे दो कार्य करते हैं एक साथ, स्वयं भी मोक्ष मार्ग पर चल करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग बताते हैं, उनको भी दीक्षा शिक्षा दे करके मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। वैसे तो आचार्य परमेश्वर के लिए कहा गया है जो चतुर्विध संघ के नायक होते हैं वे आचार्य परमेश्वर हैं। आचार्य परमेश्वर का
अपनी आत्म कल्याण की भावना को लेकर के वे अन्य प्राणियों का जो भी भव्य जीव है उनके कल्याण की भावना रखते हुए और अपने उपदेश के माध्यम से वे मोक्ष मार्ग प्रदर्शित करते हैं। वो वही मोक्ष मार्ग है जो अनंत भगवान ने प्रदर्शित किया था। आचार्य परमेश्वरी का मुख्य कार्य तो यह है कि वे अपने शिष्य वर्ग को, संघ को, चतुर्विध संघ को, बंधुओं भविष्य तो भक्ति तीसरी भावना भी आपने सुनी। 16 कारण भावनाओं में अरहंत भक्ति से लेकर प्रवचन भक्ति तक चार भावनाएं भक्ति प्रधान भावनाएं, और भक्ति का मतलब यह होता है जो जिनकी भक्ति हम कर रहे हैं, जिसकी भक्ति कर रहे हैं उनके गुणों का अनुराग हमारे मन में होता है, गुणों के अनुराग पूर्वक ही उनकी भक्ति की जाती है। और बहुशुद्ध भक्ति भी जो है, देखिए एक बात कही जा सकती है, आचार्य परमेश्वरी पिता के समान होते हैं लेकिन उपाध्याय परमेश्वरी कहें, क्योंकि बहुशुद्धज्ञ तो वही होते हैं तो वो माता के समान कार्य करते हैं। आचार्य परमेश्वरी मोक्ष मार्ग में लगाते हैं और उपाध्याय परमेश्वरी जो होते हैं, बहुत सुसज्ञ जो होते हैं, वे हमें ज्ञानदान देते हैं। दान तो दोनों ही दे रहे हैं, अनंत भगवान भी दान कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग बताना उनके दान है। आचार्य परमेश्वरी मोक्ष मार्ग में लगाते हैं इसलिए वे भी दान कर रहे हैं और हमारे जीवन में जो अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है उस अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान दीप की आवश्यकता है। ज्ञान हमारे जीवन में वो प्रकाश देता है जिस अज्ञान के अंधेरे से हम बाहर निकल करके जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारे लिए अवश्य करणीय है, उन कार्यों को हम ज्ञान के द्वारा ही समझ सकते हैं। आज आवश्यक अपरिहार्य मार्ग भावना आवश्यकों के परिहार नहीं करना है, आवश्यक अपरिहार्य हैं, जो आवश्यक होते हैं वो तो अवश्य करणीय होते हैं, लेकिन ये देखना है कि आवश्यक कौन कर पा सकता है। संसार के प्राणी इंद्रिय और मन के वश में हैं। जो प्राणी इंद्रिय और मन के, इंद्रिय विषयों के और मन के वश में नहीं होते हैं वही अवश्य कहलाते हैं, और ऐसे अवश्य का जो कार्य होता है वो आवश्यक कहलाता है। उस आवश्यक कर्तव्यों को करते हुए मुनिजन और श्रावक जन दोनों के ही आवश्यक कर्तव्य को आपने सुना है, अभी सभी के आवश्यक हैं, और उन आवश्यक करणीय कार्यों को करने के लिए शास्त्रों में उनकी मर्यादाएं, और वो मर्यादाएं जो हैं वो काल में गर्भित है, उनके कालों का निर्धारण किया गया है। उन कालों में उन आवश्यक कर्तव्यों को हमें करना चाहिए। साधु भी अपने 6 आवश्यक जब जब जिस समय उनको करना है उनको करते हैं। जो आवश्यक क्रियाएं हैं वो आवश्यक क्रियाएं मन की, वचन की और काय की शुद्धि पूर्वक की जाती हैं। मन, वचन, काय की शुद्धि पूर्वक की जाने वाली आवश्यक क्रियाएं जो हैं हमारे जीवन में एक
विशेष परिवर्तन लाती हैं। जैसा हमारा जीवन चल रहा है उसमें परिवर्तन की गुंजाइश यदि होती है तो आवश्यक क्रियाओं के माध्यम से होती है, वही हमारे जीवन का परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक अपरिहार्य भावना भी है जिसके माध्यम से संसार के जीव आवश्यक को परिपालन करते हुए, उनकी भावना रखते हुए, केवल भावना ही नहीं करते हैं, भावना तो साथ में है क्योंकि उन आवश्यक क्रियाओं के साथ द्रव्य और भाव दोनों जुड़े हुए। द्रव्य में जैसे आप लोगों की आवश्यक क्रिया पूजा है तो द्रव्य पूजा तो है ही, आप अष्ट द्रव्य चढ़ा करके भगवान की, आपने पूज्य पुरुषों की पूजा करते ही हैं, लेकिन उन पूजाओं के साथ द्रव्य पूजा चढ़ाना तो एक थाली से दूसरी थाली में चढ़ाना क्या होता है, लेकिन उसके साथ भाव की प्रधानता है। भाव की निर्मलता पूर्वक यदि हम उस कर्म को, उस क्रिया को करेंगे तो सुनिश्चित बात है कि उसका फल तो शास्त्रों में सीधा यह बताया है, जो अपने पूज्य पुरुषों की पूजा करता है वो स्वयं पूज्यता को एक दिन प्राप्त होता है। हमको भी पूज्यता को प्राप्त करना है, सम्मान अलग बात है और पूज्यता को प्राप्त होना अलग बात है। पूज्यता के लिए तो हमें उन पूज्य पुरुषों की पूजा करनी है, उनकी आराधना करनी है, उनकी अर्चना करनी है जो पूज्यता को प्राप्त हो चुके हैं। और ऐसे पंच परमेश्वरी भगवान जो हैं हमारे पूज्य इसीलिए हैं क्योंकि उनके भीतर पूज्यता का गुण प्रकट हो चुका है और पूज्यता को प्राप्त करके वे संसार के प्राणियों के लिए पथ प्रदर्शक भी बन जाते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं, जिनके द्वारा संसारी प्राणी जो है वह अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है। जीवन को चलाने के लिए अलग बात है, जीवन को चलाने के लिए अन्य बातें आवश्यक हैं, लेकिन यहाँ तो आत्मा की बात चल रही है और आत्मा को चलाने के लिए, आत्मा को सुरक्षित रखते हुए, संरक्षित करते हुए हम उस स्थान को प्राप्त कर लें जहाँ पर दुख नहीं है, तो उसके लिए ये सुरस कारण भावनाओं की चर्चा अभी चल रही है। अनेक प्रकार की भावनाओं का विश्लेषण हमारे जिनागम के शास्त्रों में पाया जाता है। रही बात अपने जीवन को चलाने के लिए, ये भावनाएं जीवन को चलाने का मार्ग तो प्रदर्शित करती हैं, लेकिन फिर भी जीवन को चलाने के लिए और भी कुछ आवश्यक होता है। हमारा देश बहुत विशाल देश है, अनेक धर्म मानने वाले लोग इस देश में निवास करते हैं और सभी धर्मों में उन आवश्यक वस्तुओं के सही सदुपयोग करने का उपदेश मिलता है। और उन सब में सबसे प्रधान तो हमारा जल ही है जो हमारा जीवन है। जल के बिना जीवन सुरक्षित रहना असंभव है और उस जल को किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, लेकिन किस प्रकार उसका उपयोग किया जाना चाहिए इस बात को हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। और अब लोग इस संकट से बचने के लिए, क्योंकि अभी जहाँ तक जाना है, समझा है हमने कि हमारे देश पर, इस विशाल देश पर जल का बहुत बड़ा संकट आने की संभावना है। अभी लोगों को, उदयपुर वासियों को तो अभी नहीं लग रहा कि जल का संकट आ रहा है या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो झीलों की नगरी है, झीलें भरी हुई है और उनसे बहता हुआ पानी आपका जीवन यापन करने में सहयोगी बन रहा है। लेकिन हमारे देश के 250 से भी ज़्यादा जिले ऐसे हैं जो जल संकट में अभी भी ग्रस्त हैं
और यदि ऐसी स्थिति रही तो आगे चल के हमारे जीवन को और भी सारे देशवासी इसके संकट में आ सकते हैं। बंधुओं, महाराष्ट्र प्रांत के बुलढाणा जिले के अंतर्गत इसका जो संकट था है उसका निवारण करने के लिए सरकार समर्थ नहीं हो रही, आप निश्चिंत रहें, सरकार इस संकट को कभी दूर नहीं कर सकती है, आपको स्वयं अपने लिए सोचना पड़ेगा। सरकार तो जिन कार्यों को कर रही है उन कार्यों को कर रही है, लेकिन हमें तो यह सोचना है, धर्मस्थल के धर्माधिकारी वीरेंद्र जी हेगड़े हैं, वे भी मानवता के संरक्षण में लगे हुए हैं, उन्होंने अपने प्रांत के 5-7 जिले गोद लिए धर्मस्थल के अंदर और वहाँ के लोगों को व्यसन मुक्त पहले बनाया, उसके बाद उन्होंने उनका सहयोग देकर के उनके जीवन को चलाने की बात चलाई। तो उनकी मिशन में तो वो शक्ति और सामर्थ्य है कि उनके जीवन में जो सहयोग दिया जाता है वो सहयोग जितना दिया जाता है उतना ही वापस उनके पास आता है और फिर अगले लोगों को वो सहयोग देते हैं। लेकिन हमको मालूम है, हमको अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश के क्या सारे विश्व में ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं है। ईमानदारी को सिखाना पड़ेगा तब सीखेंगे, इसलिए हमारी सरकार किसी योजना को नहीं चला सकती। वहाँ ईमानदार लोग खड़े हैं ही नहीं, ऊपर से नीचे तक ईमानदारी का अभाव है, इसलिए कोई सही योजना चल नहीं सकती। इसलिए हमारे जैन समाज, आपको आश्चर्य होना चाहिए, आपको प्रसन्नता भी होनी चाहिए कि जल क्रांति के लिए उन्होंने जैन समाज को चुना है, जैन समाज को उन्होंने दे दिया पावर कि आप जल क्रांति को दूर करें, किसी भी प्रकार से दूर करें। जल की कितनी बड़ी समस्या है उसके अभी उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, सदुपयोग जितना होना चाहिए उससे कई गुना दुरुपयोग हो रहा है।